A body is released from rest at a point A. The separation between points B and C is. ग्राफ यहाँ मेरे को डायग्राम देख गिवन है. ए पॉइंट से एक बॉडी को रिलीज़ किया गया जो कि ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पे है और वो बॉल यहाँ से ट्रेवल करते हुए बी हाइट पे बी पॉइंट पे पहुँच गई जिसकी हाइट 40 मीटर है और यहाँ से बॉल नीचे गिर जाती है सी पॉइंट पे. तो आपको बी और सी के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी है. यहाँ पे कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा इसलिए हम कह सकते हैं कि एनर्जी जो है वो कंजर्व है. तो मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर देता हूँ. तो टोटल एनर्जी जितनी ए पे है उतनी की उतनी ही बी पे भी होगी. तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ए पे होगी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, बी पे भी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक. ए वाला जो पॉइंट है वो ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एम जी एच यानी कि एम जी इंटू 60. क्योंकि बॉल को वहाँ से रिलीज़ किया गया था इसलिए उस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी होगी ज़ीरो. बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एम जी इंटू 40 और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी बी स्क्वायर. वी बी की वैल्यू हमको नहीं पता. सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, एम 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 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से. ये आ जाएगा मेरे पास जी इंटू 60, ये आ जाएगा मेरे पास जी इंटू 40, उधर चला जाएगा तो 20 जी रह जाएगा, इधर हाफ वी बी स्क्वायर रह जाएगा. ये 2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वी बी स्क्वायर बराबर 40 जी आ जाएगा और यहाँ से वी बी आ जाएगा अंडर रूट 40 जी. अब यहाँ से जब बॉल चलेगी तो उसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होगी. मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, मुझे हॉरिजॉन्टल स्पीड पता है कि उसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड यहाँ पे जो ये वाली स्पीड होगी वो होगी अंडर रूट 40 जी. नीचे आने में यानी कि सी तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि उसके पास वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है नहीं इसलिए मैं वर्टिकल डायरेक्शन में अगर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊँ तो क्योंकि यू वाई तो ज़ीरो है राइट, और एस वाई क्या है जो इसने ये वर्टिकल डिस्टेंस चलना है हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर होगा. यहाँ मैंने स्क्वायर नहीं लिखा, लिख देता हूँ हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर होगा. तो ये वाली टर्म मेरी ज़ीरो हो जाएगी. सॉल्व करेंगे तो मेरे पास टाइम की इक्वेशन आ जाएगी रूट टू जी एच जो फ्री फॉल में भी होता है. तो हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में बॉडी फ्री फॉल करेगी वर्टिकल डायरेक्शन में क्योंकि इसके पास वर्टिकल स्पीड है ही नहीं. तो वर्टिकल डायरेक्शन में फ्री फॉल होगा और हॉरिजॉन्टल स्पीड है तो हॉरिजॉन्टल स्पीड से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हो जाएगा बी सी वाला जो हमको निकालना है. तो नीचे आने में कितना टाइम लगेगा डियर स्टूडेंट्स, नीचे आने में टाइम लगेगा रूट टू जी एच. हाइट और जी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, यहाँ से मेरे पास टाइम आ जाएगा. तो जितना टाइम नीचे आने में लगेगा उतना ही टाइम ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करने में लगेगा इसको. तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए मैं अगेन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा देता हूँ, दैट इज़ एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स इन टू टी. क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो हाफ ए एक्स टी स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी इसलिए मैंने हाफ ए एक्स टी स्क्वायर यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि वो जीरो हो जाएगा. क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में है राइट. तो टाइम मैं निकाल चुका हूँ, हॉरिजॉन्टल स्पीड मेरे को पता है कितनी है अंडर रूट 40 जी. वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँगा यू एक्स और टी की और मेरे पास आंसर आ जाएगा 40 रूट 2 मीटर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.